नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखने विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन हुआ मां चंद्रघंटा का पूजन, मंदिरों में भक्तों ने पूजा कर भोग किया अर्पित। मुख्यमंत्री ने बड़ी खेरमाई मंदिर पहुंचकर किए मां खेरमाई के दर्शन, आम जनता की खुशहाली की कामना। संस्कारधानी में ईद उल फित्र की धूम, मस्जिदों एवं ईदगाहों में अदा हुई ईद की नमाज, देश की खुशहाली के लिए मांगी गई दुआएं। ईद उल फित्र का पर्व संस्कारधानी में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने परंपरा अनुसार और उत्साह के साथ मनाया। इस मौके पर शहर की तमाम मस्जिदों एवं ईदगाहों में नमाज अदा की गई। ईद उल फित्र की मुख्य नमाज रानीताल ईदगाह में संपन्न हुई। मुफ्ती ए आजम मध्य प्रदेश मौलाना डॉक्टर मुशाहिद रजा की जेर सरपरस्ती में नमाज अदा कराई गई। इस मौके पर मुफ्ती आजम ने अपनी तकरीर में कहा कि ये मुल्क हिंदुस्तान हमारा है और भारतीयता हमारी पहचान है, हम इस मुल्क के वफादार हैं एवं रहेंगे। वहीं उन्होंने शत प्रतिशत मतदान करने की भी अपील की। मुस्लिम धर्मावलंबियों के प्रमुख त्यौहारों में शुमार ईद उल फित्र संस्कारधानी में भी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शहर की तमाम मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की गई। ईद उल फित्र की मुख्य नमाज रानीताल ईदगाह में संपन्न हुई, जिसे मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मौलाना डॉक्टर मुशाहिद रजा के द्वारा अदा कराया गया। इस दौरान उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है और इसका उन्हें गर्व है कि वो भारतीय हैं, वो और उनकी पीढ़ियां यहीं पैदा हुई हैं एवं इस देश की मिट्टी में दफन हो जाएंगी, साथ ही देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। मुफ्ती आजम ने मुस्लिम एवं अन्य समाज के धर्मावलंबियों से 19 अप्रैल को होने वाले मतदान में शत प्रतिशत मतदान करने की अपील की। जो पढ़ रहे हैं, दुआएं अल्लाह तबारक व तआला उनको तरक्की अता फरमाए। जो काम हम कर रहे हैं अपनी जिंदगी की गुजारी के लिए, उसमें लगन की जरूरत है। मोबाइल नौजवान के माशरे में एक बीमारी बनकर चिपक गया है। ये मोबाइल नौजवान बच्चे और बच्चियां जो अपना वक्त बर्बाद करते हैं, कोई रील बनाना है, कोई ब्लॉग बनाना है, और इससे माशरे में बहुत खराबियां पैदा हो रही, लिहाजा इस पर पाबंदी बहुत जरूरी है। घर के बड़ों को चाहिए कि बच्चों के हाथ में ज्यादा मोबाइल न रखें, और अगर मोबाइल बच्चों के पास है भी तो वक्तन फरमाकर उनके मोबाइल को चेक करते रहें। हमारा मुल्क हिंदुस्तान और हम हिंदुस्तान के वफादार, हमारे बुजुर्ग भी वफादार रहे, हम भी वफादार हैं और हमारी नस्लें भी वफादार रहेंगी। हमारे ऊपर जो छींटा कसी की जाती है, इससे हमारी नीयत में कोई फर्क नहीं आना है। हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं और इसी मुल्क में मरकर हमें इस जमीन के अंदर गड़ना है। कोई कुछ भी कहता रहे, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। इंडियन नेशनलिटी हमारी पहचान है। हम इंडियन नेशनल पहले भी थे, हमारे बुजुर्ग भी थे, हम भी हैं और हमारी नस्लें भी रहेंगी। मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मौलाना डॉक्टर मुशाहिद रजा कादरी ने कहा कि ईद उल फित्र की नमाज के दौरान खुद से देश की खुशहाली और उन्नति की कामना की गई एवं मुस्लिम धर्मावलंबियों से भी देश की सेवा के लिए तत्पर रहने का संदेश दिया गया। आज ईद का दिन है, बहुत खुशियों भरा दिन होता है। अल्लाह ताला सभी की
सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं गुजारिश करूंगा कि आज के दिन गरीबों की बढ़ के मदद की जाए, ताकि वो भी हमारे साथ ईद की खुशियां मना सकें। और तमाम मुल्क वासियों को मेरी तरफ़ से, शहर वासियों को मेरी तरफ़ से, प्रदेश वासियों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। कहा है कि लोगों को, तमाम नौजवानों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, मतदान पूरी तरह से 100% हो तो बहुत अच्छा। कोशिश यही रहेगी कि जितने भी नौजवान हैं वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और अपने तमाम साथियों के साथ, घर वालों के साथ मतदान करें। सदर स्थित जामा मस्जिद में भी ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी शामिल हुई। करीमा कारसाजा बंदा नवाजा परवरदिगारा ए परवरदिगारे आलम ए परवरदिगारे आलम अपने प्यारे हबीब के सदके में मौला हमारे नेकियों को कबूल फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा दे, जो मुस्किलाए मर्द ने शिफाए कामला अज़ला अता फरमा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शहर जबलपुर के अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फितर का त्यौहार मनाया गया और हम तमाम देशवासी और अपने शहर जबलपुर के तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम भाइयों को जो है ईद की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। और जिस तरीके से भाईचारा हमारे शहर के अंदर कायम रहता है, हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला इस तरीके से हमारे शहर के अंदर भाईचारा कायम रहे, हर मजहब हर मिल्लत के लोग अपना अपना त्यौहार हंसी और खुशी के साथ मनाते रहें और मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की के लिए दुआ करें। आज इस्लाम धर्म का ईद का पर्व है, ईद उल फितर के इस मौके पर जबलपुर के रानीताल ईदगाह में नमाज अदा की गई और बहुत ही लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। यह एक अमन चैन का एक पर्व है जिसमें लोग 30 दिन तक रोज़े रखते हैं, रोज़े के बाद ईद, जिसका मतलब होता है खुशी का दिन। आज यह खुशी का दिन मनाया जा रहा है और पूरे मुस्लिम समाज द्वारा सभी अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अहबाबों को, सबको ईद की मुबारकबाद दी जा रही है। एक महीना पूरा रमज़ान मुबारक रोज़े रखने के बाद आज हम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक तोहफ़ा इनायत हुआ है, इसे ईद उल फितर कहते हैं। आज हम सभी ने ईद उल फितर की नमाज ईदगाह सदर बाज़ार में अदा की है और आपके माध्यम से सबसे पहले हम हिंदुस्तान में बसने वाले हर एक धर्म जाति समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत खुशियों के साथ जो है ईद की नमाज़ अदा की गई सदर ईदगाह में, हज़ारों की तादाद में रमज़ान के 30 रोज़ों की खुशी मनाने के लिए, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए ईद उल फितर की नमाज़ अदा की गई और बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया गया। सब लोगों ने ईद की नमाज़ खुतबे के बाद लोगों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की और हिंदुस्तान के इमाम साहब ने हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए और तरक्की के लिए मुल्क की लिए बेहद दुआएँ की हैं, तमाम लोगों के लिए दुआएँ की, हर समाज के लोगों की तरक्की के लिए दुआएं की गई। सदर बाज़ार के तमाम मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज़ अदा की। इस मुबारक मौके पर हम संस्कार धानी के सभी भाइयों को अपने ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। नमाज के बाद मुस्लिम धर्मावलंबियों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी। आप तमामी हजरात को अरकीन कमेटी जामा मस्जिद सदर बाजार। ईद उल फितर पर्व के मद्देनजर शहर की मस्जिदों एवं ईदगाहों में हुई नमाज के दौरान सुरक्षा के भी इंतजाम रहे। मस्जिदों और ईदगाहों के आसपास पुलिस बल तैनात रहा। ईद उल फितर के अवसर पर पुलिस एवं जिला प्रशासन के द्वारा तमाम ईदगाहों एवं मस्जिदों के आसपास सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिहाज से बैरिकेडिंग कर पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस के अनुसार मुस्लिम धर्मावलंबियों को नमाज अदा करने में असुविधा ना हो और ईद उल फितर का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सके, इस उद्देश्य से पुलिस व्यवस्थाएं की गई है। ईद का पर्व है और तमाम मस्जिदों, ईदगाहों में, मस्जिदों में जो है नमाज अदा की जा रही है। उस परिप्रेक्ष्य में रानीताल में भी जो थाना लाड़गंज के अंतर्गत आता है, यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने आए हैं और पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे लगाई गई है। ईदगाह में पुलिस की पर्याप्त व्यवस्थाएँ की गई थी, सभी तरफ डायवर्सन पॉइंट लगाए गए थे, सुरक्षा के लिहाज से CISF की कंपनी बुलाई गई थी और सभी संवेदनशील स्थानों पर पॉइंट लगाए गए थे और बढ़िया शांतिपूर्ण तरीके से नमाज सम्पन्न हुई।
माँ अम्बे की भक्ति में समूची संस्कारधानी लीन है और नवरात्रि के तीसरे दिन शक्ति के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की गई। भय का नाश करने वाली माता चंद्रघंटा की उपासना करने मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर संस्कारधानी वासी आदि शक्ति की भक्ति में लीन है। देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन शक्ति के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की आराधना की गई। गोरखपुर से सिद्ध दुर्गा मंदिर में पहुंचे भक्तों ने बताया कि माँ चंद्रघंटा भय का नाश करने वाली है और उनका पूजन करने से मन वांछित फल मिलता है। तीसरा दिन है माता चंद्रघंटा का दिन है आज, और भक्त बड़े उत्साह से श्रद्धा पूर्वक यहाँ आते हैं। सुबह 4 बजे से मंदिर खुल जाता है, श्री दुर्गा मंदिर गोरखपुर थाने के पास गोरखपुर, और यहाँ दोनों शारदीय नवरात्र में और चैत्र नवरात्र में जवारे बोए जाते हैं, बढ़िया भंडारा होता है, कन्या भोज होता है अष्टमी के दिन, और यहाँ भक्त सुबह 4 बजे से आते हैं। भक्तों का इतना तांता रहता है, इतना भीड़ लगी रहती है कि जो हर भक्त जो आते हैं जिस मनोकामना से माता रानी हमारी उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। देवी माता की सुबेरे रोज शाम आराधना करते हैं, उनका पाठ किया जाता है, सप्तसती का पाठ किया जाता है, उनकी चालीसा पढ़ी जाती है, जवारे रखे जाते हैं, जो भी मनोकामना होती है वो मनोकामना माता पूर्ण करती है, उपवास रखे जाते हैं 9 दिन। सुबह सुबह उठ के नहा के सबसे पहले माता की पूजा करते हैं, स्नान करके। क्या महत्व रहता है? बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, जो मनोकामना मानो वो पूरी होती है माता के दरबार में। तो गोरखपुर क्षेत्र के सभी नागरिक माता जी के मंदिर में आके माता जी को प्रणाम करते हैं व माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और निश्चित रूप से माता जी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। देवी साधकों ने विधि विधान से माँ जगत जननी का पूजन किया। नवरात्रि एवं हिंदू नववर्ष के उपलक्ष में धार्मिक कार्यक्रमों का दौर जारी है। इसी श्रृंखला में शक्तिनगर स्थित मानस मंदिर से मदन महल शारदा मंदिर तक संकीर्तन प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। शक्ति की भक्ति में लीन शहरवासी संकीर्तन में जुटे हैं। इसी कड़ी में शक्तिनगर क्षेत्र स्थित मानस मंदिर से भक्तों द्वारा संकीर्तन प्रभात फेरी निकाली गई। संकीर्तन करते हुए देवी भक्त मदन महल से शारदा मंदिर पहुंचे और वहां पर मां शारदा का पूजन किया। संकीर्तन में शामिल भक्तों ने बताया कि प्रतिवर्ष हिंदू नववर्ष एवं चैत्र नवरात्रि पर प्रभात फेरी का आयोजन किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अल्प प्रवास पर डुमना एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर गृह मंत्री का भव्य स्वागत किया गया, उनकी अगवानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर रुकने के बाद मुख्यमंत्री के साथ मंडला के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए। इस दौरान डुमना एयरपोर्ट पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल समेत अन्य जन मौजूद रहे। आज हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री मध्यप्रदेश की धरती पे आ रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और जिस प्रकार से पूरा देश और प्रदेश का माहौल यशस्वी प्रधानमंत्री के तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कृत संकल्पित दिखाई दे रहा है, माननीय मोदी में ये माहौल बना हुआ है। निश्चित रूप से हम मंडला सहित उनके पूरे दौर में मोदी जी के लिए चुनाव अभियान के लिए मैं उनका स्वागत भी करता हूं, और मध्यप्रदेश की जनता 8.5 करोड़ जनता की ओर से माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत है। मेरी अपनी ओर से खासकर चुनाव के आखिरी दौर में यह समय पहुंच रहा है, हम सब कामना करें हमारी 29 की 29 सीट माननीय मोदी जी को समर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर प्रवास के दौरान बड़ी खेरमाई मंदिर में मां खेरमाई के पूजन एवं दर्शन के लिए पहुंचे और उन्होंने भक्तिभाव से माता रानी का पूजन कर देश की उन्नति की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सिद्ध मंदिर में विराजी मां खेरमाई की कृपा सभी पर बनी रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी खेरमाई पहुंचकर आदि शक्ति के चरणों में नमन किया और देश एवं प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि चैत्र नवरात्रि शक्ति की साधना का पर्व है और इस मौके पर उनको मां खेरमाई के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है एवं उनकी कृपा से निरंतर विकास के कार्य हो रहे हैं और माता रानी की कृपा सभी पर बनी रहेगी। चैत्र नवरात्रि का पवित्र दिवस है हम सबके लिए, माता रानी के लिए। नवरात्रि में शक्ति साधना का ये सबका समय रहता है। आज मैं जबलपुर था तो स्वाभाविक रूप से माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आया। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ हमारे
प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा और नगर निगम जबलपुर द्वारा यहाँ मंदिर के लोक का निर्माण कर रहे हैं, विस्तारीकरण का काम हुआ है और माँ की कृपा हम सब पे बनी रहे। और ये खास करके शक्ति की आराधना का समय चल रहा है और हम सब माँ से कामना करें कि भारत का जो सांस्कृतिक अनुष्ठान का और एक तरह से हमारी विरासत को सरोंज कर आगे बढ़ने का जो समय है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माँ की कृपा सब पे बनी रहेगी। जय माता दी। इस मौके पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू भी मौजूद रहे। गुजरात के राजकोट संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा क्षत्रिय राजपूत समाज को लेकर दिए गए विवादित बयान से राजपूत कर्णी सेना में आक्रोश व्याप्त है। राजकोट से भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा क्षत्रिय राजपूत समाज को लेकर की गई विवादित टिप्पणी से क्षत्रिय राजपूत समाज में आक्रोश व्याप्त है। इस मामले को लेकर कर्णी सेना ने भी विरोध जाहिर किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रत्याशी रूपाला का टिकट काटने की मांग की गई है। ऐसे व्यक्ति को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है जो महिलाओं का ही सम्मान नहीं कर रहा? महिलाएं किसी भी जाति की हो, किसी भी वर्ग की हो, इस भारत देश की हैं और जो किसी एक महिला का भी अपमान करेगा वो किसी लायक नहीं है और मैं नहीं मानता ऐसा कोई नेता है। ऐसा कौन ने बोल दिया? रूपाला जी हैं, ये पहले केंद्र मंत्री भी रहे हैं, गुजरात से लोकसभा की इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। आप आज देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय महिपाल मकराना जी गुजरात में जो 5 महिलाएं बैठी थी आत्मदाह के लिए, उनको समझाने के लिए जाते हैं तो वहां की प्रशासन उन्हें रोकता है, उन्हें मिलने नहीं देता, उन्हें गिरफ्तार करके वापस राजस्थान तक छोड़ दिया जाता है। ये कहां का न्याय है? अरे भाई, अभी उनके भाई जिंदा हैं, अभी हम लोग पूरे भारत देश में हैं और ये बात सिर्फ अब गुजरात तक नहीं रह गई है, ये संपूर्ण भारत की हो गई और हर जगह विरोध होगा। राजपूत कर्णी सेना ने स्पष्ट कहा है कि यदि पुरुषोत्तम रूपाला पर कार्यवाही नहीं की गई तो देशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। पनागर थाना अंतर्गत ग्राम बिलगवा में कई घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाला शातिर चोर पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस के अनुसार चोर से चोरी की अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। पनागर पुलिस ने एक शातिर चोर लालू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी अजय सिंह ने बताया कि ग्राम बिलगवा की महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक ही रात में कई घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद पुलिस द्वारा खोजबीन की गई और लालू को पकड़ लिया गया। चोरी की घटनाओं से परेशान ग्रामीणों ने सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। रिपोर्ट आई थी कि विजय ठाकुर नाम का आदमी घर में घुस करके कुछ नकदी रुपए और कपड़ों की चोरी किया है, जिसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया और उसकी गिरफ्तारी कर उसका न्यायालय पेश किया जाएगा। अरे यहाँ पैसा चोरी हुआ 5,000, वो इसको भागते हुए देखा, चप्पल भी इसकी उतरी है, सीढ़ी से भागा, छत से कूद गया वो साइड। कौन चोरी करके भाग रहा था? नाम लालू ठाकुर। लालू ठाकुर कहाँ रहती हैं आप? बिलगमा। चोर कहाँ का था वो? बिलगमा रजक समाज में जेवर जाटा चोरी किया और चौधरी समाज की गाड़ी चुरा के ले गया। तो पुराना चोर है ये? पुराना, बहुत पुराना चोर है। और पहनने के कपड़े लत्ते बच्चों के, औरतों के, इनके फाड़ता है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज़।